24 न्यूज इन इंडिया के लिए बुरहानपुर से मोहम्मद वसीम की रिपोर्ट। राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन एवं MR पासा सोशल वेलफेयर सोसाइटी बुरहानपुर बिजनौर उत्तर प्रदेश द्वारा नूरपुर सिहारा मार्ग पर पारकत पब्लिक स्कूल में जैकेट वितरण समारोह आयोजित किया गया। राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष MR पासा द्वारा दिव्यांगों को जैकेटों का वितरण किया। इस अवसर पर पत्रकारों को भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि प्रियंकर राणा, विधायक पुत्र धामपुर, पुलिस क्षेत्राधिकारी महावीर सिंह राजावत, थाना प्रभारी उदय प्रताप सिंह, मनोज वर्मा, समाज सेवी अख्तर जलील, अध्यक्ष नगर पालिका सिहारा द्वारा दिव्यांगों को जैकेट वितरण की गई। नगर पालिका अध्यक्ष सिहारा अख्तर जलील ने कहा कि मैं नगर पालिका की मीटिंग में दिव्यांगों का भी प्रस्ताव पारित कराऊंगा। पंचायती राज विभाग से सीनियर फैकल्टी सत्येंद्र शर्मा, ईशान शर्मा ने भी कार्यक्रम की प्रशंसा की। MR पासा ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम MR पासा है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन से हूँ। आज जो हमने कार्यक्रम किया है, सामाजिक संस्था MR पासा सोशल वेलफेयर सोसाइटी बुरहानपुर उत्तर प्रदेश द्वारा और राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन के तत्वावधान में 1000 दिव्यांग और निर्धनों को जैकेट वितरण की गई है निःशुल्क। और आने वाला नेक्स्ट प्रोग्राम में हम कैलिपर्स, जूते, कृत्रिम पैर और हाथ यहीं पे बनाएंगे और दिव्यांगों को निःशुल्क वितरण करेंगे। ये 2020 से हम कार्यक्रम शुरू कर देंगे, यहीं पे अपने कार्यशाला गठित करेंगे। ये कार्यक्रम जो हुआ था आपका, कहाँ हुआ था? ये पारकर पब्लिक स्कूल बुरहानपुर बिजनौर में आयोजित हुआ था।